हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद, आई एम फ्रॉम शिकारपुर एंड सीन्स कुछ ऐसे हैं। हाँ भैया, आज का कुछ सीन ऐसा हो गया है कि मैं लाया हूँ आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए। तो भाई, न्यू जनरेशन के लिए ये मैसेज है भाई, सिगरेट पीना छोड़ दो, सुट्टे लगाना छोड़ दो, सुट्टे लगाना छोड़ दो। तो सीन से ये भाई, शराब पीना भी छोड़ दो। भाई क्या रखा है इन चीज़ों में, अपने आप को बनाओ। देखा है शीशे में जाके, देखो क्या हालत कर दी आप लोगों ने अपनी आप की। जरा चेक करो अपने आप को, नहीं नहीं कर लो। तो मैसेज यही है भाई, मैसेज यही है भाई आप लोगों के लिए। तो आप अपनी बॉडी को जो है ना मेंटेन करें भाई की तरह, जरा चेक करो। तो सीन्स यही है भाई, ये सब चीजें जो है ना, पीना छोड़ दो यार, खुदा के लिए पीना छोड़ दो यार। तो सीन्स यही है भाई, फिटनेस अपने आप को जो है ना फिट करना रखो, जिम करो, नमाज पढ़ो। इन चीजों में क्या रखा है यार, नशे में क्या रखा है? बच्ची छोड़ गई, दो सुट्टे लगा लिए, शराब पी लिया। अबे क्या रखा है, बच्ची ने तो छोड़ा है, तेरी लाइफ तो है ना। अपने आप को बना, दुनिया को दिखा, सबको दिखा। जींस ऑफ। हाँ भाई, 7:00 जो है अपना 16 मिनट में मैं जिम के लिए निकलता हूँ, और पीछे जो है बैकग्राउंड में आ रहा है ना, ये मेरा भतीजा है प्यारा सा, इसका नाम है उमर। हाँ भाई, तो फाइनली मैं अपनी जिम पे पहुँच गया हूँ भाई। जिम देख सकते हो, जरा चेक करो। शेयर करना यार, कुछ शेयर कर लें बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए कुछ शेयर कर, कुछ बोल दे। गंदे कामों से, मंशिया से, बुरी सोबत से उनको बचाऊँ, अच्छे माहौल में ले आऊँ। कोई बस दुआ है हमारी भी, अच्छे काम में आ जाए, बस इनसे हमारी यही दुआ है। मेहरबानी उस्ताद। उस्ताद आपका क्या कहना है? कामरान उस्ताद जैद का तो सुना आपने, हमने और सबने। First of all, I'm going to say that I'm going to introduce myself. My name is Kamran Memon from Shikarpur, and I'm taking exercise since 10 years old. Yes. So I have to say something about bodybuilding and a new generation. To work hard, focus on your health, first of all.
क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जिसमें जो हमें हर बुराई से बचा सकती है। मसलन जैसे मंशियात का काम है, जैसे नशा कर रहे हैं, न्यू जनरेशन स्मोकिंग कर रहे हैं, या एक्स वाई जेड मास्टरबेटिंग यूजिंग एजेंट से मास्टरबेटिंग या और कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जिसको जिस इस फील्ड में अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस फील्ड की नस्बत से आप ये बुराइयाँ छोड़ देंगे, फर्स्ट ऑफ ये। और दूसरा, आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं, किसी को स्टमक है, कैंसर है, डायबिटिक्स है, और कुछ बीमारियाँ हैं, इस बीमा ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जिसकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आप कभी भी आपको इंशाल्लाह इसमें कोई शिकायत नहीं होगी किसी बीमारी की भी, क्योंकि हमारा यही एक्सपीरियंस है। खुद मेरे साथ स्टमक की मुझे प्रॉब्लम था जब मैंने एक्सरसाइज ज्वाइन की थी, तो मुझे जो फ़ायदा हुआ किसी डॉक्टर से नहीं, किसी हकीम से नहीं, कहीं से भी नहीं, वो मुझे फ़ायदा हुआ एक्सरसाइज से हुआ। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, और क्या कहते हैं कि खुद की जान पे खर्च करें, खाएं पिएं अच्छी तरीके से, बाकी ये स्मोकिंग, गलत काम, मंशियात, एक्सपायर्ड, इसको छोड़ दें। और दूसरी बात, नमाज पढ़ें, इसके साथ अल्लाह को भी राज़ी करते आएँ, अल्लाह के काम भी पूरे करें, और अपनी जान का भी ख्याल रखना ये एक सुन्नतों में से बड़ी एक सुन्नत है, ये अच्छी बात है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी क्या कहते हैं कि बॉडी को वर्कआउट करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हर बुराई से आप इंशाल्लाह ताला निजात हो जाएगी आप। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने देखा भाई, उस्ताद का जो है, कामरान का भी इंटरव्यू और उस्ताद आगा जैद का भी इंटरव्यू, तो ये अच्छी बात है भाई, आप लोग जो है ना जिम करें, फिटनेस रखें अपने आप को, नमाज़ पढ़ें, ये बुरी चीज़ें, बुरे काम छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।